हेलो फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं मर्सिडीज है, सीएल है 200D। फ्रेंड्स, उसमें क्या तकलीफ है आपको बता रहे। चलिए हम गाड़ी को मारते स्टार्ट। देख सकते हो फ्रेंड, हमने गाड़ी स्टार्ट कर दिया। आपको बाहर लिखा के दिखाते हैं फ्रेंड्स, उसमें क्या तकलीफ है। देखो फ्रेंड, ये 4 इंजेक्टर आता है इसमें, और इसमें 4 नंबर इंजेक्टर है ना, इसमें फ्रेंड्स मतलब अपना कंप्रेसर ब्रेक हो, इसका इंजेक्टर जो इंजेक्टर का जो वॉइसर है ना फ्रेंड्स, उसमें तकलीफ है। देख सकते हो फ्रेंड्स, ये क्या कर रहा है, ये 4 नंबर इंजेक्टर है ना, ये इसका कंप्रेसर बाहर निकाल रहा है। ये इंजेक्टर लीक है फ्रेंड्स, इसका वॉइसर अंदर का चला गया। इसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसका इंजेक्टर रिमूव करेंगे। तो इंजेक्टर का जो वॉइसर आता है ना फ्रेंड्स, ये वॉइसर में वॉइसर के अंदर से उसका घिस गया होगा, जो भी हुआ होगा। हम इंजेक्टर खोलेंगे और इंजेक्टर खोल के इसमें अंदर देखेंगे फ्रेंड्स, इंजेक्टर के अंदर कोई डैमेज तो नहीं है, वो भी देख लेंगे। अगर इंजेक्टर तो सही है, और इसके इंजेक्टर मेरे को सही लग रहा है, बाकी इसके अंदर जो वॉइसर आता है इंजेक्टर के अंदर, उसमें दिक्कत लग रहा है। चलिए हम इसको इंजेक्टर को अभी खोल के बाहर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स क्या तकलीफ है। देख सकते हो फ्रेंड्स, फाइनली हमने इंजेक्टर को बाहर निकाल दिया, और आप ये देख सकते हो इसके अंदर कार्बन, देखिए कितने सारे कार्बन है इसमें। इसको फ्रेंड्स अच्छी तरह क्लीन करना पड़ेगा, फिर क्लीन करके अपन न्यू वॉइसर लगा के, ये इसका वॉइसर आता है, ये यहाँ पे फिट होता है, ठीक है। ये छोटा सा वॉइसर के वजह से, ये देखिए इसे पलट दिया हमने, ये देखिए आपको अच्छी तरह दिखा दे, देखिए ये क्लियर होता भाई। हाँ, ये देखिए ये ऐसा है ना फ्रेंड्स, ये ऐसे कट मार दिया, देखिए ये चारों मतलब ये तीनों तरफ से बराबर है फ्रेंड्स, बाकी एक साइड है देखिए, ये ऐसे क्या, इसका कंप्रेसर लीक हो गया, इसकी वजह से अपना गाड़ी वो छीक रहा था, यहाँ से अपना गैस निकल रहा था, अपना कंप्रेसर जो होता है ना फ्रेंड्स, जो कंप्रेसर अपना पिस्टन का जो कंप्रेस बनता है, इसमें फायरिंग करता है इंजेक्टर, ये इंजेक्टर फायरिंग तो कर रहा है, लेकिन इसमें से क्या हो रहा है, इसमें से अपना कार्बन निकल रहा था, जो साइलेंसर धुआं निकलता ना फ्रेंड्स, ये धुआं अपना ऊपर आ रहा था इंजेक्टर से। चलिए फ्रेंड्स, हम ये वॉइसर न्यू मंगा लेते हैं, और अपना ये इंजेक्टर को अच्छी तरह क्लीन करके फिर अपन गाड़ी में फिट करते हैं। देख लो फ्रेंड्स, हमने इंजेक्टर अच्छी तरह क्लीन कर दिया, और जो आपको बताया था ना फ्रेंड्स, वॉइसर, ये वॉइसर पुराना था ना फ्रेंड्स, ये देखिए जैसे जो कट गया, तो इसको हम कैंसिल कर रहे हैं फ्रेंड्स, और न्यू वॉइसर ले लिया। आप देख सकते हो न्यू वॉइसर ले लिया, हम अभी इसमें फिट करेंगे, और फिट करने से पहले आपको बता सकते हैं इसमें थोड़ा ग्रीस लगाना पड़ेगा, नहीं तो क्या वॉइसर निकल सकता है। थोड़ा हल्का ग्रीस ले लिया और इसमें ग्रीस लगा देंगे, क्योंकि अपना जो वॉइसर डालने वक्त उसमें गिर नहीं जावे। देख सकते हो फ्रेंड्स, इस तरह हमने वॉइसर को बिठा दिया, फिर हल्का क्या करना है फ्रेंड्स, और थोड़ा ग्रीस इसमें लगा देने का अपने इंजेक्टर में, ताकि कभी भी अपने मान लीजिए खोलना हो इंजेक्टर में प्रॉब्लम हो, तो ये इजीली निकल जावे। चलिए कुछ करिए, देख सो फ्रेंड्स, ये हमने इसका ब्रैकेट ले लिया, चलिए ब्रैकेट को लगा लेते हैं इस तरह से, और अपना उसमें इंजन में भी फिट करेंगे। देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने अंदर भी अच्छी तरह क्लीन कर दिया, अब देख सकते हो अच्छी तरह क्लीन कर दिया इसको। चलिए हम अभी इसको अंदर डालते हैं, चलिए अपना इंजेक्टर बैठ गया फ्रेंड्स, अब इसका हम बोल्ट लगाएंगे, ये देख सकते हो इसका बोल्ट है। चलिए हम इसको भी अभी बोल्ट लगा के टाइट मार लेते हैं, लाइन लगा लेते हैं फ्रेंड्स।
हमने इंजेक्टर फिट कर दिया और इसका बोल्ट जो था वो बोल्ट भी टाइट कर दिया, लाइन भी लगा दिया फ्रेंड्स। अभी आपने क्या करना पड़ेगा, चारों इंजेक्टर में से एयर निकालना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमने है ना लाइन खोले ना तो उसका डीजल का एयर आ गया होगा सिस्टम में, तो उसके लिए अपने को चारों इंजेक्टर का नट ढीला कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेल्फ मारेंगे। अभी कपलर भी नहीं लगाया क्योंकि ये डेल्फी का नोजल है फ्रेंड्स, इसमें क्या डेल्फी का नोजल में कपलर लगा के हम लोग एयर निकालेंगे फ्रेंड्स, तो ये लॉक हो जाता है इंजेक्टर। चलिए हम एयर निकालते हैं अभी। चलिए मारिए सेल्फ। हाँ बोल मत, चलिए मारिए। बस 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 बस, देखो फ्रेंड्स इसमें डीजल आ गया। अभी हम इसको टाइट कर देंगे। चलिए हाँ मारिए, बस बस बस। चारों में हमने एयर निकाल लिया। अभी इसका रिटर्न लाइन लगाएंगे, रिटर्न लाइन लगा देंगे और इंजेक्टर का अपना कपलर लगा देंगे। चलिए हम इंजेक्टर कपलर और रिटर्न, हमने कपलर बिठा दिया, रिटर्न लाइन बिठा दिया। अभी चलिए मारते हैं सेल्फ। चलिए स्टार्ट करिए। पहले जो अपना मिसिंग था फ्रेंड्स वो नहीं है, और उसमें जो पहले लीकेज था उसके वजह से गाड़ी मिसिंग कर रहा था। चलिए अभी हम पानी डाल के आपको चेक कराते हैं। देखिए अभी पानी नहीं उड़ा ना, पहले तो क्या पानी डालते ही पूरा फेंक देता था, इसका गैस लीक हो रहा, जो कंप्रेसर का जो गैस है ना ऊपर फेंक दे रहा था। देख सकते हो आप लोग, हमने गाड़ी स्टार्ट भी रखे, देखिए हम एक्सेलेटर देके बता रहे हैं, और अपना कोई माल फंक्शन का लाइट नहीं आ रहा है और गाड़ी मस्त स्टार्ट है, कोई वाइब्रेशन भी नहीं है। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू।